students I am ratio and I will teach you English so students as we have uh, studied our chapter third more naming words and we also completed it some exercises exercise a B C and D E F and G so today we will do exercise H ओके एक्सरसाइज एच सो नाउन देट डिनोट नीदर मेल और फीमेल्स आर सैड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर लाइक शूट एंड वेन नाउन्स डिनोट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दे आर सैड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर लाइक डॉक्टर और टीचर मीन्स जो नाउन ना तो फीमेल्स होते हैं और ना ही मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं न्यूट्र जेंडर जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक शू टेंट और सो जो, जो uh, ना तो फीमेल जेंडर होते हैं ना फीमेल जेंडर होते हैं वो क्या होते हैं न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं जैसे टेंट शू ओके और जब नाउन दोनों जैसे कि वो फीमेल्स भी होते हैं और नाउन वो मेल नाउ मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं टीचर लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं तो वो क्या होता है कॉमन जेंडर ओके समझ आ गया है सो एक्सरसाइज एच रीड द नाउन्स ऑन द बैनर एंड फिल इन द कॉलम करेक्टली आपको ये दो कॉलम दिए गए हैं इधर है कॉमन जेंडर और इधर है न्यूटर तो जो न्यूटर जेंडर हैं वो आप न्यूटर में लिखेंगे और जो कॉमन जेंडर हैं वो आप कॉमन में लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट है आपका एनिमल एनिमल में एनिमल लिखा है इसमें ना तो कोई पर्टिकुलर एनिमल का आपको नेम नहीं दिया है जिससे कि आपको पता चले कि मेल है या फीमेल है एनिमल तो मेल भी होती हैं फ़ीमेल भी होती हैं तो यहाँ पर एनिमल यानी कॉमन जेंडर देन लीव अब लीव है न्यूट्र जेंडर क्योंकि लीव ना तो मेल है ना ही फीमेल है देन पीपल पीपल में तो बहुत सारे लोग आते हैं कॉमन गर्ल बॉयज और विमेन uh, भी आती हैं है, मैन आते हैं सो इच इज कॉमन जेंडर देन पेंसिल पेंसिल है थिंग और ये है न्यूट्र जेंडर देन पेरेंट्स पेरेंट्स में दोनों आते हैं मम्मी भी और पापा भी सो so पेरेंट्स है कॉमन जेंडर दैन क्रेउन क्रेन है अगेन न्यूट्रजेंडर चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन में बच्चे मतलब कि बॉयज़ uh, भी आते हैं और गर्ल्स भी आती हैं तो चिल्ड्रेन क्या हुआ कॉमन जेंडर बॉटल बॉटल न्यूट्रजेंडर है ओके देन बेबी बेबी में बेबी गर्ल भी होती हैं और बेबी बॉयज भी तो बेबी क्या हो गया कॉमन टेलीफोन हो गया आपका न्यूट्रजेंडर दैन टेलर टेलर में बोथ गर्ल्स भी टेल टेलरिंग करती हैं यानी कि सिलाई का काम करती हैं और बॉयज भी करते हैं सो so, कॉमन हो गया ठीक है दैन बॉल बॉल न्यूट्रजेंडर है कज़न कज़न हमारे कज़न ब्रदर भी होते हैं कज़िन सिस्टर्स भी होती हैं तो कॉमन कार न्यूट्राजेंडर डॉक्टर डॉक्टर में मेल डॉक्टर्स भी होते हैं फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं सो so, क्या हो गया ये कॉमन जेंडर और है फिर ट्रेन ट्रेन तो न्यूटर होती है देन कुक कुक तो ग, आ, कुक लड़कियां भी हो सकती हैं कुक लड़के भी होते हैं सो तो कुक कॉमन जेंडर हो गया सोल्जर भी लड़कियां भी होती हैं अब सोल्जर और बॉयज भी होते हैं सो तो सोल्जर भी कॉमन जेंडर है हाउस न्यूट्र जेंडर है और टेबल न्यूट्र जेंडर है ओके okay? नाउ वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट पोजेसन ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड पोजेसिव नाउन सिंगुलर पजेसिव नाउन टेल अस अबाउट पजेसन ऑफ वन नाउन द बॉयज कैप डीनाज बुक मतलब जब हमें किसी चीज़ से ये पता लगता है कि ये चीज़ उससे रिलेट करती है तो वो क्या होता है पजेसिव नाउन जैसे कि कोई किस जिन वर्ड से हमें यह पता लगे कि ये टीना की कैप है ये राजू का बैग है का बैग यानी कि राजू का बैग इससे पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर किसी राजू के बारे में बात हो रही है उसके बैग के बारे में बात हो रही है ठीक है तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिख दिख रहा है कि ये किसका बैग है तो उसे बोलते हैं पजेसिव नाउन और सिंगलर पजेसिव नाउन क्या होता है जिसमें किसी एक एक व्यक्ति के चीज के बारे में बात हो रही हो ठीक है ना जैसे जैसे कि है दिस इज द डॉक्टर्स दिस इज द डॉक्टर्स बैग डॉक्टर्स बैग यानी कि एक ही डॉक्टर का बैग है तो ये क्या हो गया सिंगलर पजेसिव नाउन ओके देन साराज डॉग इज स्मॉल एंड ब्राउन साराज एक ही सारा है और इसका डॉग भी है कि है सो साराज डॉग सिर से सिंगलर पजेसिव नाउन now exercise i fill in the blanks with correct word so that girls nails are very long girls okay tina's bicycle is that tina's bicycle okay the loins teeth are sharp this lady's purse has been stolen mr. roy's garden is very beautiful. my uncle's shirt is red in color. the snail's shell quite hard. where is mira's lunch box? okay, so we have completed this exercise, exercise i. in next video, we will do, the, our, uh, we'll do our next remaining exercises. so we will meet in our next exercise till then bye bye take care thank you बच्चों आपको ये सारा work अपनी book में करना है ठीक है ना इसमें से English जो second है